हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन 1। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी। गिवन मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल 60 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल 30 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल 5.8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स देखो, हमको यहाँ गिवन है मेजर ऑफ एंगल ए 60 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल 30 डिग्री एंड साइड ए बी इज इक्वल 5.8 सेंटीमीटर। यहाँ नोट कर लें, गिवन ट्राइंगल ए बी सी इन विच मेजर ऑफ एंगल ए 60 डिग्री, मेजर एंगल बी इज इक्वल 30 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल 5.8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक रफली ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। इस साइड को ए नेम दे देते हैं, इसे बी नेम दे देते हैं और इसे सी नेम दे देते हैं। स्टूडेंट्स देखो, जैसा हमें यहां गिवन है एंगल ए इज इक्वल 60 डिग्री, ये एंगल ए है इसे हम 60 डिग्री मान लेते हैं, ये एंगल बी है 30 डिग्री मान लेते हैं और ये साइड ए बी 5.8 सेंटीमीटर है। यहाँ 5.8 सेंटीमीटर नोट कर देते हैं। अब इसको फेयरली करते हैं। सबसे पहले हम ये साइड ए बी 5.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमें एक स्केल चाहिए, हम ये स्केल ले लेते हैं। अब हमको 5.8 सेंटीमीटर के ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसके जीरो पॉइंट को मार्क किया और देखो ये 5, ये 5.5 है, इसके बाद ये 5.6, 5.7 और ये 5.8, इसे मार्क किया और लाइन ड्रॉ कर दी। स्केल को रिमूव कर लिया, इसे हम ए बी नेम दे देते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इसका डिस्टेंस है 5.8 सेंटीमीटर। यहां नोट कर देते हैं 5.8 सेंटीमीटर। अब हमको नीड है एंगल ए 60 डिग्री ड्रॉ करने के। स्टूडेंट्स एंगल ड्रॉ करना आपकी अपनी चॉइस होती है, आप प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ करते हैं या कंपास से। आपका कंपास से ड्रॉ करना रिवीजन हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पर ये एंगल 60 और 30 दोनों कंपास से ही यूज करते हैं। इसके लिए हमने ये कंपास लिया और कंपास में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्टेंस ले लो, जो भी आप लाइक करो, और पॉइंटर को पॉइंट ए पर रख करके जो आपकी चॉइस है उतना डिस्टेंस लेकर के ये आर्क लगा दिया। इसके बाद में कंपासेस के पॉइंटर को क्रॉसिंग पॉइंट पर रख करके और ये इंटरसेक्टिंग आर्क लगा देते हैं। स्टूडेंट्स अब आप इसके लेकर के पॉइंट ए से क्रॉसिंग पॉइंट पर होकर जो लाइन ड्रॉ करोगे ये एक्यूरेट 60 डिग्री का होगा। कंपासेस को रिमूव कर दिया और स्केल लेकर के ये लाइन ड्रॉ कर दी, स्केल को रिमूव कर लिया। अब हमको ये 30 डिग्री ड्रॉ करना है, तो सेम एज वही ट्रिक यूज करेंगे। कंपासेस के पॉइंटर को पॉइंट बी पर रखा और ये आर्क लगा दिया। इसके बाद में सेम डिस्टेंस से पॉइंटर को यहाँ क्रॉसिंग पॉइंट पर रख करके और ये इंटरसेक्टिंग आर्क लगा दिया, कंपासेस को रिमूव कर दिया। स्टूडेंट्स देखो, अब ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है और ये बी, इससे होकर के हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी 60 डिग्री की होगी। ये स्केल को सेट करके और हमने लाइन ड्रॉ कर दी। स्टूडेंट्स देखो, इस तरह से ये एंगल ए पर भी 60 डिग्री हो गया और बी पर भी 60 डिग्री हो गया, बट हमको एंगल बी पर तो 30 डिग्री चाहिए ना, तो हम इस 60 डिग्री को हाफ कर देते हैं। हाफ कैसे करते हैं, देखो आप कंपासेस लो, पॉइंटर को इसी क्रॉसिंग पॉइंट पर रखेंगे
और ये आर्क लगा देंगे। इसके बाद में कंपासेस के पॉइंटर को इस वाले क्रॉसिंग पॉइंट पर रखेंगे और ये इंटरसेक्टिंग आर्क लगा देंगे। कंपासेस को रिमूव कर दिया। स्टूडेंट्स देखो, ये जो इंटरसेक्टिंग आर्क है ना, इससे और बी से होकर जाने वाली लाइन इस एंगल को हाफ कर देगी। 60 का हाफ कितना हो जाएगा? 30। इस तरह से 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। स्केल को सेट करें और ये लाइन ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट को हम एक्स नेम दे देते हैं और इस पॉइंट को वाई नेम दे देते हैं। इस तरह से ये बी ए एक्स 60 डिग्री हो गया और ए बी वाई 30 डिग्री हो गया। यहां नोट कर दें, ये एंगल 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। और ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है, इसको सी नेम दे देते हैं। इस तरह से ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले क्या किया था? ये ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ किया था, रफ ली। यहां नोट कर दें, द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर वन, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसके बाद आपने क्या किया था? ये ए बी लाइन ड्रॉ की थी 5.8 सेंटीमीटर की। यहां नोट कर दें, नंबर सेकेंड, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.8 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने क्या किया था? ये पॉइंट ए पर 60 डिग्री एंगल ड्रॉ किया था। यहां नोट कर दें, नंबर थर्ड, ड्रॉ अ रे एक्स, ये हमने एक्स किया है ना, ड्रॉ अ रे एक्स मेकिंग 60 डिग्री एंगल विथ ए बी। ये एक्स है ना, ए बी के साथ है 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा है। इसके बाद आपने क्या किया था? ये पॉइंट बी पर 30 डिग्री एंगल ड्रॉ किया था बी वाई रे के साथ। यहां नोट कर दें, नंबर फोर, एट पॉइंट बी, ड्रॉ रे बी वाई मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद ए बी। ये ए बी के साथ 30 डिग्री एंगल बनता है। इस तरह से ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल था प्रिपेयर हो गया। यहां नोट कर दें, ट्रायंगल ए बी सी एक ही रिक्वायर्ड ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर इफ पी क्यू इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल 105 डिग्री एंड मेजर ऑफ ट्रायंगल क्यू आर पी इज इक्वल 40 डिग्री। यहां आपको हिंट भी दी गई है, रिकॉल एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक रफली ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ कर लेते हैं। इसे पी नेम देते हैं, इसे क्यू नेम देते हैं और इसे आर नेम देते हैं। स्टूडेंट्स, यहां आपको पी क्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहां 5 सेंटीमीटर नोट कर देते हैं। एंगल क्यू 105 डिग्री गिवन है, इसे 105 नोट कर देते हैं। एंगल आर 40 डिग्री गिवन है, इसे 40 डिग्री नोट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, यहां आपको हिंट दी गई है, रिकॉल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। आप एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हो ना? एंगल सम प्रॉपर्टी में सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल 180 डिग्री। एंगल पी आपको पता नहीं है, एंगल क्यू 105 डिग्री है, प्लस एंगल आर 40 डिग्री है इज इक्वल 180 डिग्री।
देखो स्टूडेंट्स, 105 और 140 को आप ऐड करेंगे तो ये 145 हो जाएगा, प्लस एंगल पी इज इक्वल 180 डिग्री। स्टूडेंट्स इक्वेशन आप जानते हो, ये 145 को ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस चेंज इनटू माइनस हो जाएगा, इस तरह से ये हो गया एंगल पी इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 145। स्टूडेंट्स आप 180 से 145 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 35 डिग्री। इस तरह से हमारा एंगल पी 35 डिग्री हो गया। यहां नोट कर देंगे एंगल पी इज इक्वल 35 डिग्री। अब इसे फेयरली सॉल्व करते हैं। देखो हमको यह पी क्यू लाइन 5 सेंटीमीटर गिवन है तो हम इसके लेकर के 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो ये स्केल लिया, ये 0 को मार्क किया और ये 5 को मार्क किया और ये लाइन ड्रॉ कर दी, स्केल को रिमूव कर लिया। अब आपके पास में एंगल पी इज इक्वल 35 डिग्री है। स्टूडेंट्स आप 35 डिग्री कंपासेस के थ्रू ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि कंपासेस से तो वही एंगल ड्रॉ किए जा सकते हैं जिनकी मेजर 15 से डिवाइड की जा सके, इसीलिए हमने प्रोट्रैक्टर लिया, इसे ठीक से सेट किया। सेट करना आप जानते हो, लाइन के ऊपर लाइन हो और ये टी पॉइंट एंडिंग में हो। अब देखो ये 30 का सिंबल है, ये 40 का है, इसके बीच में ये जो लाइन है ये 35 की है। यहाँ हमने पॉइंट बना दिया और प्रोट्रैक्टर को रिमूव किया। अब इसके लेकर के ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये एंगल क्यों 105 डिग्री है तो प्रोट्रैक्टर लेकर के 105 करेंगे। देखो ये 100 और ये वाला 105 है, यहाँ पर मार्क कर देते हैं। प्रोट्रैक्टर को रिमूव करते हैं, क्यू और इस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी और इस क्रॉसिंग पॉइंट को आर नेम दे दिया। देखो ये हमारा पी 35 है ना, यहाँ 35 नोट कर दें। ये 105 है, इसे 105 नोट कर दें और ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर नोट कर दें। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स देखो सबसे पहले आपने क्या किया था, ये ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ किया था, रख ले यहाँ नोट कर दें। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में नंबर 1 ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसके बाद आपने क्या किया था, ये पी क्यू लाइन ड्रॉ की थी 5 सेंटीमीटर की, यहाँ नोट कर दें। नंबर 2 ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने क्या किया था, ये पॉइंट क्यू पर 105 डिग्री ड्रॉ किया था क्यू वाई वे करते हुए, इस तरह से यह पी क्यू वाई 105 डिग्री एंगल होता है, यहां नोट कर दें। नंबर 3 ड्रॉ अ रे क्यू वाई मेकिंग एन एंगल 105 डिग्री विद पी क्यू। इसके बाद आपने क्या किया था, पी एक्स रे करते हुए ये पी क्यू पर 35 डिग्री एंगल ड्रॉ किया था, यहां नोट कर दें। नंबर 4 ड्रॉ अ रे पी एक्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद पी क्यू। इस तरह से इनका ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है ये वाला, इसको हमने आर नेम दिया था, यहां नोट कर दें। नंबर 4 नेम आर टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द पी एक्स एंड क्यू वाई। इस तरह से हमारा ये पी क्यू आर ट्राइंगल प्रिपेयर होता है, यहां नोट कर दें। ट्राइंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 एग्जामिन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल डी ई एफ सच दैट ई एफ इज इक्वल 7.2 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल ई इज इक्वल 110 एंड मेजर ऑफ एंगल एफ इज इक्वल 80 डिग्री, जस्टिफाई योर आंसर।
स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप यह बात पता करो कि क्या आप एक ट्रायंगल DEF कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जिसमें EF लाइन 7.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एंगल E 110 डिग्री होना चाहिए और एंगल F 80 डिग्री होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहां हमको गिवन क्या है, ट्रायंगल DEF, नोट कर दें, गिवन अ ट्रायंगल DEF इन विच EF लाइन 7.2 सेंटीमीटर है, मेजर ऑफ एंगल E 110 डिग्री है और मेजर ऑफ एंगल F 80 डिग्री है। हमको यह एग्जामिन करना है, पता करना है होगा या नहीं, और उसके बाद में जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, ऐसा नहीं वैसे ही लिख दें यस और नो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन में पता करते हैं ड्रॉ होगा या नहीं। देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप ये तो जानते हो, सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल 180। इस तरह से एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल 180 डिग्री होता है। हमको एंगल डी तो पता नहीं है, बट एंगल ई जो है 110 डिग्री है, 110 डिग्री है और एंगल एफ 80 डिग्री है। हम इनको ऐड करें तो ये तो 190 डिग्री हो गया, जबकि इनका सम 180 ही होता है, ये तो ग्रेटर हो गया। हियर 190 इज ग्रेटर देन 180, यहां तो टू एंगल का सम ही 190 हो गया, 180 से ग्रेट हो गया, इसीलिए यह ट्रायंगल ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहां नोट कर दें, द एंगल सम प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलोड बाय द गिवन ट्रायंगल। यहां एंगल सम प्रॉपर्टी इस रूल को फॉलो नहीं करती, क्योंकि हमारा सम ऑफ टू एंगल मोर देन 180 हो गया था, दस वी कांट कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल DEF विद द गिवन मेजरमेंट। यहां सम ऑफ टू एंगल मोर देन 180 हो गया था, इसीलिए हम यह ट्रायंगल DEF कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। जो मेजरमेंट हमको गिवन है, दैट्स ओके।